जी यीशु स्टार्ट मसीह करें। के, यीशु मसीह के जिंदा जलाली बबरकत और फतेमा नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। शुक्रगुजार खुदा बाप बेटे रूह कुछ की कि जिसने एक बार फिर ये मौका दिया कि हम सभी मिलकर कलाम पाक खुदा को सुने और बरकत को हासिल करें। खुदा के कलाम में लिखा है, जहां दो या तीन मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके बीच में आ मौजूद हूँगा। अजीगा अपनी आंखों को बंद करेंगे बड़े अदब और एहतराम के साथ अपने सिरों को झुकाते हुए। और मैं कहूँगा कि भाई फ्रोबल इस दुआ में रहनमाई करेंगे कि जब तक हम खुदा उनकी हजूरी में रहें तमाम एरियाज पर नेटवर्क पर खुदा की हजूरी को मांगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावन तेरी सताइश और कुदुस खुदा। बादशाहों के बादशाह तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, फजल बख्शता है खुदा कि हम मिल के तेरे नाम को जलाल दें, तेरे नाम की सताइश करें खुदा। हम तेरी हुजूरी में झुके हुए रूल कुदुस खुदावंद, यीशु के नाम में तेरे फजल वाले हाथ को चाहता हूँ खुदावंद, झुकी हुई जानों पे तेरा हाथ चाहता हूँ खुदावंद। और जितने लोग आने का इरादा रखते हैं यीशु के नाम में, तो अपने लोगों को खुदावंद अपने खैमा में घेर करके लेके आ खुदावंद, ताकि तेरे हुजूर से बरकत को हासिल कर सकें। यीशु के नाम में इंटरनेट के सारे इंतजाम पे तेरा हाथ चाहता हूँ, पुलिस के सारे मनसूबे फेल हों तेरे यीशु के नाम में रूल कुदुस खुदा। और हम अच्छे तरीके से तेरी करें खुदावंद, तेरे कलाम की बातों को सीखें खुदावंद, और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे खुदावंद। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन आमीन। खुदावंद की तारीफ हो, आइए हम वर्शिप करते हैं, यीशु मसीह के नाम को जलाल देते हैं। मैं सिस्टर मारी से कहूंगा कि वो वर्शिप को लीड करेंगी और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। ठीक है जलाली नाम में आप सब की शुक्रगुजारी हो। आज हम प्रस्तुति शुरू करेंगे, तो गीत गाएंगे, तेरा लहू पना है हमारी, तेरा लहू कला है हमारा। हालेलुया। तेरा लहू पना है हमारी, तेरा लहू कला है हमारा, तेरा लहू पना है हमारी, तेरा लहू कला है हमारा। गिरा जब भी तूफानों में जीवन, गिरा जब भी तूफानों में जीवन, तेरे लहू को हमने पुकारा, तेरा लहू पना है हमारी, तेरा लहू कला है हमारा, तेरा लहू पना है हमारी, तेरा लहू कला है हमारा। वो जो बैलों का बछड़ों का खून था, धो सका ना जहां के गुनाह को, वो जो बैलों का बछड़ों का खून था, धो सका ना जहां के गुनाह को, एक कतरा ही तेरे लहू का, एक कतरा ही तेरे लहू का, कुल जहां के गुनाहों पे भारा, तेरा लहू पना है हमारी, तेरा लहू कला है हमारा, तेरा लहू पना है हमारी, तेरा लहू कला है हमारा। सब बीमारियां दूर हुई हैं, मिट गए रोग सारे के सारे, सब बीमारियां दूर हुई हैं, मिट गए रोग सारे के सारे, अब ना शैतान के वार चलेंगे, अब ना शैतान के वार चलेंगे, तेरे लहू पे ईमा हमारा, तेरा लहू पना है हमारी, तेरा लहू कला है हमारा, तेरा लहू पना है हमारी, तेरा लहू कला है हमारा। आमेन।
प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। यीशु का लहू ही पनाह है हमारी, कोई और हमें तंजीम या एनजीओ या कोई और हमें अदारा हफाजत और पनाह नहीं दे सकता जो पनाह यीशु मसीह के लहू में है। बेशक बैल बछड़ों का खून इस लायक इस काबिल नहीं था कि हमें गुनाह से निजात दे सकता, लेकिन बेऐब भरे यीशु मसीह का लहू ही हमें बचाता है, छुड़ाता है और हमें निजात देता है। आइए के अवश्य में आगे बढ़ते हुए हम गीत गाएंगे और मैं भाई यूसुफ से कहूँगा कि वो गीत गाने में रहनुमाई करें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और यीशु के नाम को जलाल देंगे। यूसुफ भाई आप गीत गाएंगे और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैं सिस्टर मारे से ही कहूंगा कि वो वर्शिप को लीड करेंगे, भाई में भी सेटल नहीं है। दोबारा भाई कहें, शायद वो सुन लें। यूसुफ भाई अब मेरी बात सुन रही हैं, तो आप एक गीत गाएं और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आप मेरे पास ना नेट प्रॉब्लम आ रहा है काफी, तो वैसे मैं गीत गाता हूँ। रहे गाना सताती कर मसीदा, रहे गाना सदाती कर मसीदा, रहेगा जग तलक सूरज, रहेगा जग तलक सूरज, रहेगा ते उस तो बरकता सब लोग पावन, ते उस तो बरकता सब लोग पावन, ते को मायो सिया तन बा गावन, ते को मोस्तियां गावन, रहेगा ना सदाती कर मसीदा, रहेगा जत तलक सोरज, रहेगा जो इस राइलिया रब खुदा, जो इस राइलिया रब खुदा है, अजायब कम कर दादन सदा है, अजायब कम में कर दादन सदा है, खुदा दा पाक नाम है शान वाला, खुदा दा पाक नाम है शान वाला, सदाती कर मुबारको रहेगा, सदाती कर मुबारको रहेगा, बुजुर्गी होती है दुनिया ते सारी, बुजुर्गी होती है दुनिया
बाटे सारी, कहो आमीन आमीन फिर तू जीवारी, कहो आमीन आमीन फिर तू जीवारी, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा उनकी तारीफ हो, रहेगा नाम सदा तिखर मस्ती का, बेशक उसी का नाम अजल से अब तक कायम रहेगा। और मैं सिस्टर मारे से कहूँगा कि वो वर्शिप करेंगी और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमेशा तक रहेगा तख्त तेरा खुदावंद, तू अबद तक बादशाह है, अदालत के लिए तू तख्त पर है, तेरे आगे खुदा सारा जहां है, तू ही इंसाफ दुनिया का करेगा, सच्चाई से मसीहा काम लेगा, तू ही इंसाफ दुनिया का करेगा, सच्चाई से मसीहा काम लेगा, सभी को मैं तेरे आगे हूँ हाजिर, खुदावंद रास्ती से तू बरा है, सभी को मैं तेरे आगे हूँ हाजिर, खुदावंद रास्ती से तू बरा है, हमेशा तक रहेगा तख्त तेरा, खुदावंद तू अबद तक बादशाह है, उठाते जुल्म जो दुख से भरे है, तू ऊंचा बुर्ज भी उनके लिए है, उठाते जुल्म जो दुख से भरे है, तू ऊंचा बुर्ज भी उनके लिए है, दिलो जान से जो लेते नाम तेरा, मुसीबत में तू उनका आसरा है, दिलो जान से जो लेते नाम तेरा, मुसीबत में तू उनका आसरा है, हमेशा तक रहेगा तख्त तेरा, खुदावंद तू अबद तक बादशाह है, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, बेशक सच्चाई से उसने अपना तख्त कायम किया है, और दुनिया में रहते हुए हम इंसाफ को और जजों को पैसे देकर खरीद तो सकते हैं, लेकिन इस आसमानी जब खुदा की हजूरी में जाएंगे, जब उसके तख्त अदालत के सामने खड़े होंगे, तो तब हमारे पास क्या जवाब होगा, फिर तब क्या करेंगे। लेकिन सच्चाई से वह सब को मौका इंसाफ करेगा, एक शख्स का या एक कौम का नहीं, तमाम बनी इंसान का जिसने उसने बनाया, हर एक बशर का वो इन सच्चाई के साथ उसका इंसाफ करेगा। हम वर्शिप में आगे बढ़ते हुए मैं एंटीन सीन से कहूँगा कि वो गीत गए या जरूर गाए, फिर हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे और यीशु मसीह के नाम को जलाल देंगे। हालेलुया, खुदावन की तारीफ हो। मैंने आपको बताया था कि आज हमारा मेडिकल का टॉपिक है और सिस्टर नुसरत उस पर बात करेंगे, उसको ज्यादा टाइम चाहिए, तो इसलिए मैंने कहा था कि हम एक दुआ करेंगे और एक ही गीत गाया जाएगा, तो इसलिए जो है मैं दुआ करती हूँ, तो फिर हम सिस्टर नुसरत से कहेंगे कि वो इस टॉपिक पर बात करें।
खुदा कदूस रबुल अफाज तू जो कादिर मुतलक खुदा हम तेरे शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तू यहाँ पर मौजूद है खुदा तेरी हजूरी के लिए हम तेरे शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत वर्शिप के लिए खुदा हम तेरे शुक्रगुजारी करते हैं लश्करों के खुदा अब जबकि वक्त है खुदा के खुदा हम तेरी आवाज को सुने बेशक खुदावंद ये जमीन पर खुदावंद जो भी बीमारियां हैं खुदावंद खुदावंद ये जो इनसे तू ही छुड़ाने वाला खुदा है तू ही हमें खुदावंद हिकमत फहम और समझदारी देता है तू ही खुदावंद डॉक्टर्स को नर्सेस को खुदावंद हिकमत देता है खुदावंद कि वो तेरे लोगों के लिए खुदावंद अपना वक्फ करते हैं खुदावंद तेरे लोगों का इलाज करते हैं खुदावंद बेशक खुदावंद शिफा तेरी तरफ से है और शिफा तेरी तरफ से ही जारी होती है खुदावंद और हिकमत और बीमारियों को समझने का जो रूह है खुदावंद तू ही देता है खुदावंद और इनसे निकलने के लिए भी खुदावंद तू ही हिकमत और फहम और समझदारी देता है मैं सिस्टर नुसरत को खुदावंद तेरे पाक हाथों में देती हूँ लश्कों के खुदावंद आज वो खुदावंद तेरी बंदी खुदावंद तेरे खुदावंद हदायत से खुदावंद तेरी खुदावंद हिकमत से खुदावंद जो भी खुदावंद वो बोलने को है खुदावंद इसके वसीला से खुदावंद बहुत सारे लोग जो है खुदावंद इस बीमारी से खुदावंद खुदावंद नजात पाए खुदावंद और इसके लिए खुदावंद जो भी एहतियाती तदबीर हम कर सकें खुदावंद अपने अपने लोगों को बचा सकें खुदावंद हम दूसरों को बता सकें खुदावंद इसलिए खुदावंद हमारी खास मदद रहनमाई करना और जहां जहां भी खुदावंद ये प्रोग्राम सुना जाए वहां पर खुदावंद शिफा जारी हो खुदावंद वहां पर लोग खुदावंद अपने बदनों को खुदावंद तेरा मकदस जानकर खुदावंद इसकी हिफाजत होने के बानी करें हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन खुदा उनकी तारीफ हो हम खुदावंद में आप सबकी सलामती हो मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे फिर से मौका दिया तो बिफोर आई स्पीक माई टॉपिक आई लाइक टू सिंग Since it's related to asthma, the breathing in our lungs. So I will sing this song. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise, we pour out our praise to you only. Holy are you, Lord. All the earth will shout your name, these hearts will cry, these bones will sing, how great. Are you Lord? All the earth will shout your name, these hearts will cry, these bones will sing, how great are you Lord? It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise to you only. Holy are you, Lord. Thank you, Heavenly Father, once again that you give an opportunity to your servant, Lord, so I can come and speak about this topic you have given it to me today. And Father, I might not know much, but you know everything. All the knowledge come from you, Lord. And I ask you, Father, that you come and pour your spirit onto me, breathe onto me, give me anointing, Lord. So give me a word, open my mind, open my mouth. Give me a wisdom and knowledge and word to speak. What do you want me to speak to all our brethren who are gathered here and we can reach many people. So through this topic, they can prevent themselves, Lord, through this sickness and disease because you said, call me and I will answer you from heaven. And Father, I'm asking, come and be present here. You already present here, Lord. We're asking, Father, that you come and take a charge for everything, Lord, and let this program go smooth and effective for your kingdom's sake and for your glorious name's sake. Amen. So
जिससे हम सब हमारा जो टॉपिक होता है मेडिकल टॉपिक, उसमें हम कहते हैं कि हमारा जिस्म खुदावन का मकदस है। तो हमने इस जितनी भी दफा मैं कोई भी टॉपिक शेयर करूंगी, मैं इस आयत को जरूर कोट किया करूंगी ताकि हम सब समझ सकें। और वैसे तो हम सब जानते हैं कि भी हमारा हमारी बॉडी जो है खुदावन का मकदस है, क्योंकि होली वन जो है ना उसमें रहता है, इसलिए वो खुदावन हमें अपना मकदस कहता है। तो उसकी फर्स्ट क्रंथियस उसकी तीन बाब तीन और उसकी 17 वर्स में खुदावन ये कहता है, पॉल ये रसूल पॉल जो है वो ये कहता है कि इफ एनीवन डिस्ट्रॉयज गॉड्स टेंपल गॉड विल डिस्ट्रॉय दैट पर्सन, फॉर गॉड्स टेंपल इज सेक्रेट एंड यू टुगेदर आर द टेंपल। So Paul is telling us we are the temple of God, so we should take care of our body. And there's a serious indication, there's a serious warning from God that whomever and anybody who will destroy this temple, I will destroy them. This is a very serious warning to the people, to us today, whether we destroy our body like, with our willfully, or whether we somebody else destroy our body. So God will destroy that person if anybody destroy this the temple of God. So topic jaise humne bataya ki hamara topic hai asthma, jisko hum Punjabi mein dama kehte hain. So we all know there's like a million or billion people onto the earth worldwide. They are affected from this problem. So this problem is, there is no cure for this problem. इस प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है, ये अल्लाह इलाज है। लेकिन ये कि हम जमीन पर रहते हुए हम बहुत सारे चीजें हैं जो कि इस चीज को, इस कंडीशन को ट्रिगर करती हैं। तो हमें उसमें देखना चाहिए कि हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। इसलिए खुदावंद कहता है कि तुम मुझे कॉल करो तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने क्या करना है। तो आइए हम देखते हैं कि एस्मा इज अ कंडीशन इन विच योर एयरवे नैरो एंड स्वेल एंड मे प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस। म्यूकस जो होती है फैलगम, जो कि बलगम होती है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारी ब्रीदिंग जो है, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना एक्सहेल करते हैं, इसी तरह हमारी बॉडी जो है ना प्योरीफाई होती है। और इसी तरह क्योंकि जो हमारा ब्लड का कलर है वो रेड, इसी वजह से है कि उसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वजह से। और ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ब्रेथ ऑफ लाइफ है, दिस इज अ ब्रेथ ऑफ गॉड। तो खुदा कहता है कि मैंने तुम्हारे नथरों में अपनी रूह फूंकी है। तो ये हमारी जो बॉडी में जो मतलब ऑलमोस्ट लाइक वन थर्ड ऑफ आवर बॉडी इज मेड ऑफ ऑन द वाटर, साल्टी वाटर है, और उसका पानी वो मतलब पानी है, पीला नीला पानी है। उसमें जब तक ऑक्सीजन ना जाए उसका कलर जो है ना वो रेड नहीं होता, वो फ्लैश नहीं बनता। सो दैट इज व्हाई यू नो वी टेक ऑक्सीजन एंड वी इनहेल वी एक्सहेल द कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि हम मतलब ऑक्सीजन जाती है हमारे अंदर तो वो हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती है, तो जो बॉडी के सारे जो वेस्ट होते हैं, जो उसका सारा टॉक्सिन होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए रिलीज होता है। तो ये कहता है कि हमारी मतलब ये करने के लिए जो हमारा नोज है, हमारा माउथ है, हमारा विंड पाइप है, वो ऑक्सीजन लेता है और आगे जाके लंग्स में डिवाइड करता है। मतलब उसकी बिग ब्रांचेस हैं, फिर आगे जाके छोटी ब्रांचेस बन जाती हैं लंग्स के अंदर, फिर आगे जाके वो सैक होते हैं जो कि फिल्टर होते हैं, छोटे छोटे फिल्टर। तो ये जो हम ब्रीद करते हैं हमारे नोज के जरिए, तो हम अपने नाक के जरिए बहुत सारी चीजें ब्रीद करते हैं। जब वो ब्रीद करते हैं ऑक्सीजन प्यूरिफाई नहीं होती, कुछ एनवायरनमेंट ऐसी होती है कि जिसकी वजह से ये एस्मा जो है ना ट्रिगर होता है। तो वो कहता है कि ये जो एयरवे और ये लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आपका एयरवे अफेक्टेड है, जब आपका ब्रीदिंग सिस्टम अफेक्टिव है, उसका मतलब है कि आपकी लाइफ जो है ना खतरे में है और कभी भी कुछ हो सकता है। लेकिन इसलिए इसको कंट्रोल और इसको मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। तो वो मैंने अभी बताया, जैसे इंग्लिश में मैंने पढ़ा है कि एयरवे नैरो हो जाता है, हमारे जो नीचे सैक होते हैं वो कुछ ऐसी चीजें उसमें चली जाती हैं, मतलब जिसकी वजह से वो ब्लॉकेज हो जाती है, या स्वेलिंग हो जाती है, या इरिटेंट्स जो भी पार्टिकल्स इरिटेंट्स जो है ना उसमें जाते हैं तो वो उसको स्वेल कर देते हैं हमारे एयर पाइप को, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। अब इसकी वजूहात क्या है, इसकी काजेस क्या है, इसकी
फैक्टर्स क्या है कि इसके फैक्टर्स वही मैंने बताया कि जो एक्सपोजर्स ऑफ वेरियस इरिटेंट एंड द सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स एलर्जी. अब जैसे आजकल सीजन चल रहा है पोलन एलर्जी है, जैसे आप ये देखिए ना हमारे उधर गांव में तो होते थे कानों की जो रुई उड़ती है. मैंने बार बार वो जब मैंने पहले भी बताया कि ये जो एलर्जी साइनस एलर्जी में बताया कि जितने भी इरिटेंट होते हैं घर में और ये जो पेंट होता है पेंट की स्मेल, कोई भी स्मेल और कोई भी डस्ट, जैसे आंधी आती है डस्ट आती है आप इनहेल करते हैं. जो लोग जो केमिकल्स इंडस्ट्री में काम करते हैं जो कि डस्ट के साथ काम करते हैं, जैसे आटे की चक्की है वहां पे आटा पीसते हैं वो भी जो है ना वो आप इनहेल करते हैं. जैसे ये जो दरख्त हैं कुछ पॉलन रिलीज करते हैं, कुछ इनकी स्मेल होती है, कुछ फ्रेग्रेंस होती है और कुछ परफ्यूम्स जो हम इस्तेमाल करते हैं वो भी ट्रिगर काज करते हैं. और तो और स्मोकिंग जो करता है लंग्स को स्मोकिंग करता है उसको वो तो उसने तो जो स्मोकिंग करता है उसने तो अफेक्ट होना ही होना है. लेकिन सेकंड हैंड स्मोकिंग जो होती है कि जो मतलब घर में वाइफ है या बच्चे हैं तो वो सेकंड हैंड स्मोक उसको कहते हैं कि जो स्मोकिंग कर रहा होता है वो जो है ना बच्चे वो स्मेल जब करते हैं तो उनको अफेक्ट होता है, उनके लंग्स के लिए अफेक्ट होता है. ये इतनी जल्दी नहीं होता, ये स्लोली मतलब आपके लंग्स पे अफेक्ट करना शुरू कर देता है. जैसे आप मैंने अभी आपको बताया कि डस्ट है, माइट है, मोल्स है, माइट्स एंड मोल्स एंड डेंडर, जैसे बिल्ली है, बिल्ली के जो वो ये जो छोटे छोटे उसके बाल उड़ते हैं वो भी आपको मतलब कर सकते हैं. आपके घर में कोई पेट्स हैं उससे भी आपको हो सकती है, जैसे मुर्गियां हैं और कुछ छोटे छोटे मतलब आपने बर्ड्स रखे हैं वो भी ये इस चीज उनसे जो टेंडर्स निकलते हैं उनके जो वो रिलीज करते हैं उनसे भी. और मोस्ट द हीडियस थिंग है ना वो हमारे मतलब बाथरूम में जो कॉकरोचेस है ना वो भी कॉकरोचेस वेस्ट जो है ना वो भी इस चीज को एस्मा को ट्रिगर करने के कब बाइस बनते हैं. और फिर और तो और जब हमें मतलब बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होते हैं, जब कोल्ड का सीजन है बहुत ज्यादा कोल्ड होती है, नजला होता है, जुकाम होता है, अनकंट्रोलेबल जो कि बार बार होता रहता है, कंटिन्यूसली होता रहता है, वो भी जो है ना बाद में मतलब एस्मा काज करने का बाइस बनते हैं. और फिजिकल एक्टिविटी हमारी कुछ ऐसी होती हैं जिसकी वजह से मतलब एक्सरसाइज है या कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो मतलब ठंडी हवा का और गर्म हवा भी इस चीज को मतलब जैसे गर्मी है बहुत ज्यादा है तो मैंने सुना रात को मुल्तान में बच्चों की मतलब नसीर छूटी हुई है इतनी गर्मी है तो वो जो है ना हवा इतनी गर्म होती है कि आपको मतलब आपके जो साइनसेस हैं वो ड्राई हो जाते हैं. तो फिर आपको मतलब ड्राई होने के साथ वो ऐसा होता है कि जो पार्टिकल्स उड़ रहे होते हैं वो सीधे आपके लंग्स में जाते हैं क्योंकि अंदर मॉइस्ट नहीं होती. तो हमारे मतलब साइनस में मॉइस्ट होती है, बाल होते हैं वो उस चीज को पकड़ लेते हैं ताकि वो सीधा लंग्स में ना जाए, उसको फिल्टर कर देते हैं. लेकिन मतलब बहुत ठंडा वेदर भी ठीक नहीं है और बहुत गर्म वेदर भी ठीक नहीं है तो उसकी वजह से ये ट्रिगर होता है. और फिर उसके बाद वो मैंने आपको बताया कि स्मोक का फिर मतलब कुछ ऐसी मेडिसिन है जो हम खाते हैं जो कि इस चीज को एस्मा काज करने का बाइस बनते हैं. वो ओवर द काउंटर मेडिकेशन है, जैसे डिस्प्रीन है, एस्प्रीन है, ये सारी नॉन स्टीराइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जो है ना ये आपको काज कर सकती है. जैसे आइबोब्रूफिन है, जो बंदा बहुत ज्यादा नप्राक्सन अलीव और एस्प्रिन का यूज करता है ये बाद में आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेस कर देते हैं जिसकी वजह से आपको ये भी एस्मा. और तो और स्ट्रेस, इमोशनली स्ट्रेस होता है, एक तो स्ट्रेस हमें वर्क का स्ट्रेस होता है, बॉडी को हम स्ट्रेस देते हैं, हम रेस्ट नहीं करते, हमें फिर इमोशनली स्ट्रेस होता है, फिर हम खामखा ही मतलब स्ट्रेस को बाय कर लेते हैं ताकि हम अपनी जिंदगी में स्ट्रेस को बढ़ाते जाते हैं. तो वो जब नहीं होता तो फिर हमारी बॉडी पे इफेक्ट होता है, फिर स्लोली ये चीजें जो है ना वो एस्मा काज करने का बायस बनती हैं. फिर उसके बाद कुछ फूड है, कुछ ऐसे फूड है जो हम खाते हैं जिनकी वजह से एस्मा जो है ना फ्लेयर अप हो सकता है, एस्मा हो सकता है. उसमें यह कि जो प्रिजर्वेटिव जो हम फूड्स में यूज करते हैं, जो हम कैन वाले फ्रूट्स खाते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव डाले होते हैं, वो प्रिजर्वेटिव इस तरह की चीजें जो है ना वो भी हमें एस्मा काज करने का बायस बनते हैं. फिर उसके बाद श्रिम्प्स जो है, वो जो हम छोटे छोटे श्रिम्प्स खाते हैं उनसे भी अगर बहुत ज्यादा खाओ उनसे भी आपको एस्मा फ्लेयर अप हो सकता है. जो ड्राइड फ्रूट्स हम खाते हैं
जो प्रोसेस पोटेटोस जब खाते हैं, ये जो हम खाते हैं ये सारे चिप्स वगैरह पोटेटोस के, और बियर और वाइन्स, इस तरह की चीजें जो है ना वो काज करती है। और तो और अगर हमारे हमें एसिड रिफ्लेक्स है, जैसे कि कोई मतलब हमारे मतलब स्टमक में अल्सर है, या हमें बर्बिंग आती है, बेल्चिंग होती है, ऐसे लगता है जैसे वॉमिटिंग होएगी, ये होएगा, हमारे स्टमक में पेन होती है, उसको कहते हैं गर्ड गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, उसको मतलब पेप्टिक अल्सर भी कहते हैं। इस तरह की चीजें जो है एस्मा काज करने का बाहिस बन सकती है। अब इसके सिम्टम्स तो आप सबको पता है कि हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, हमें मतलब हमें जो सांस जब ये सिम्टम्स हमारे साथ होते हैं, इस डिपेंड करता है कि भी पर्सन को किस टाइप का एस्मा है। अब कहीं किसी को तो अक्यूट सा होता है और किसी को बहुत सीवियर होता है, तो किसी को मतलब मॉडरेट होता है, तो इस डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे एस्मा है। तो ये है कि भी उसी तरह उसी के हिसाब से बंदे का जो एस्मा जो फ्लेयर अप होता है। अब जो एस्मा है उसकी एक तो वजह ये है, एक तो जेनेटिकली होता है, अगर आपकी फैमिली में है तो तब आपको भी हो सकता है, और अगर आपकी फैमिली में नहीं है तो जरूरी नहीं है कि आपकी फैमिली में नहीं है तो आपको नहीं हो सकता, ये किसी को भी हो सकता है। क्योंकि ये देखना है कि हम जिस जगह पे रह रहे हैं उस जगह की हवा कैसी है, उस जगह की एनवायरमेंट कैसी है, हम जिसका भी काम कर रहे हैं, अगर हम डस्टी या केमिकल इंडस्ट्री में या किसी ऐसी जगह पे या स्मेल या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे दरख्त हैं जो कि एलर्जी काज करते हैं, और घर है, घर में वेंटिलेशन नहीं है ठीक है, ये है वो है, और फिर जो हमारे घरों में सेल लगी होती है, जैसे पेंट है तो दीवारों पे सेल लगी होती है, वो जो मॉइस्ट दीवारें होती हैं वो भी इस चीज को, वहाँ पे फंगस बिल्ट होती है, वहाँ पे मोल्ड बिल्ट होती है, वो भी इस चीज को एस्मा काज करने का बाहिस बन सकते हैं। तो हमें मतलब हमें जब इन चीजों को ऊपर अपने आप को बचाने के लिए हमें अपने आप को इन चीजों को मतलब हमें खुदावंद से विजडम मांगनी चाहिए कि हमें इन चीजों को किस तरह अपने घर को साफ रखें, आपका वेंटिलेशन सिस्टम्स ठीक हो यहाँ तो यहाँ, और जो पंखे आपको हवा दे रहे हैं वो साफ होने चाहिए आपके, मतलब अंदर वेंटिलेशन सिस्टम में कोई फंगस नहीं होनी चाहिए, और डस्ट है जो डस्ट को क्लीन करो, तो डस्ट को क्लीन करने के लिए, और आज तो आजकल तो लोग बहुत ज्यादा सैनिटाइजर यूज करते हैं। मैं कहती हूँ, मैं बीइंग नर्स मैं ये कहती हूँ कि ठीक है कुछ थोड़ी देर के लिए सैनिटाइजर यूज करना बहुत अच्छा है, लेकिन ये है कि उसको बार बार मत यूज करें, क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है, उसमें मतलब बहुत सारे फ्रेग्रेंस भी डाले होते हैं जिससे आपका मतलब वो साइनसिस को ट्रिगर करता है, आपके एस्मा को ट्रिगर करता है। तो आप उनसे बचे, उससे पहले कि सबसे सेफेस्ट और सबसे इफेक्टिव तरीका जो है ना हमारा हैंड हाइजीन का, वो साबुन और पानी है, वो आपका 99.9% जो आपके जर्म्स को किल करता है ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा, आपने जब आपको स्नीजिंग आती है तो आप देखें कि आप हाथ धोएं, आपको अपने हाथ धोने चाहिए, हैंड हाइजीन बहुत सबसे अच्छा तरीका है कि आप किसी भी किस्म की बीमारी से बच सकते हैं। अगर कोई कफ कर रहा है आपके आसपास को तो उसको अपना माउथ कवर करके कफ करना चाहिए, और फिर ये है कि कफ करने के बाद वो अपने हाथ धोए ठीक है। हाथ धोना सबसे ज्यादा जरूरी है, और अगर कोई फैमिली में कोई अफेक्टेड है तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि अपने जो दूसरे फैमिली मेंबर है उनको बचाएं, ताकि उसकी वजह से दूसरे फैमिली मेंबर जो है, अगर कोई स्मोकिंग करता है तो वो घर से बाहर जाके स्मोकिंग करे, और तो और स्मोकिंग तो करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग तो एक किस्म की बीमारी है कि आप खुद ही अपने टेंपल को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। इसलिए खुदावन ने कहा है कि जो इसको टेंपल को डिस्ट्रॉय करेगा उसको मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो हमें अपने टेंपल को मतलब बचा के रखना है, खुदावन का सेक्रेट टेंपल है, इसकी हिफाजत करनी है। तो फिर आगे क्या उसके सिम्टम्स में, फिर चेस्ट पेन होती है, जैसे आपको वीजिंग होती है, विस्लिंग होती है, आप जब ब्रीदिंग मतलब इनहेल कर रहे चलो ठीक है, लेकिन जब आप सांस बाहर निकालते हैं तो आपकी बड़ी मुश्किल से निकलती है, फिर आपकी चेस्ट में पेन होती है, बैक में पेन होती है, और तो और फिर आपको ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है अगर आप इसको प्रिवेंट ना करें, क्योंकि ये अर्ली स्टेज है मतलब विंड पाइप की अर्ली स्टेज हमारी ब्रीदिंग की, एस्मा से ही शुरू होता है, एलर्जी से शुरू होता है, एस्मा से फिर एस्मा होता है, फिर एस्मा से फिर इसको COPD, इसको क्रॉनिक मतलब ये बीमारी, मैंने कहा है कि इसका कोई भी इलाज नहीं है, ये लाइलाज बीमारी है, लेकिन यह है कि डॉक्टर की मदद से और खुदावन की मदद से हम इस पे काबू
पा सकते हैं। और खुदावंद जो है वो हील करने वाला खुदावंद है, क्योंकि उसने हमें ब्रीदिंग, हमारे लंग्स पे उसकी ब्रीदिंग है, तो वो ये नहीं चाहेगा कि जो उसकी ब्रेथ है वो डिस्ट्रॉय हो, बल्कि वो उसको प्योरीफाई करने की भी ताकत रखता है और वो करता है। और फिर इसके मतलब और तो वर्स्ट सिम्टम्स ये भी हो सकते हैं कि coughing, wheezing attack are the worsened by the respiratory virus such as cold and flu. तो जिनको asthma होता है उनको ठंडे और मतलब इस तरह जिनको already हो चुका है उनको इन चीजों से avoid करना चाहिए। उनको मतलब मतलब देखना चाहिए कि हाँ ये जो है ना ये चीजें जो है ना मतलब कोई smell है, जैसे perfume है, हमारे जो लोग हमारे मर्द हजरात हैं औरतें हजरात हैं वो बहुत ज्यादा परफ्यूम यूज करती हैं, तो क्योंकि कोई भी परफ्यूम जो है ना किसी किस्म का भी परफ्यूम हाँ बॉडी पे लगाना चाहिए, लेकिन ये देख लेना चाहिए कि वो आपका आपको मतलब कोई आपको साइनस प्रॉब्लम ट्रिगर ना करे, आपको एस्मा ना ट्रिगर करे, क्योंकि वो जब हम ब्रीद इन करते हैं वो सीधा जाके हमारे लंग्स में जाके बैठ जाता है। तो जब वहां पे बैठता जाता है तो वो जो हमारे एयर सैक होते हैं उसको ब्लॉक करता जाता है, फिर उसको स्वेल करता जाता है, जिसकी वजह से ये हमें एस्मा हो जाता है। तो हमें मतलब एहतियात करनी चाहिए। और तो और जब हम बच्चों को पाउडर लगाते हैं, वो जो टैल्कम पाउडर लगाती थी, इस तरह की चीजों से भी अवॉइड करना चाहिए। और अगर करना ही है तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत लगा लो, मतलब जिससे आपका जो मुझे पता है कि उधर पसीना आता है, बहुत जगहों पे हमें बहुत पसीना आता है, तो हमें इस चीज की चीजें यूज करनी होती है। लेकिन कोई भी चीज फ्रेग्रेंस वाली या परफ्यूमी या स्मेल वाली साबुन लोशन इस तरह की चीजों से अवॉइड करना चाहिए। हाइपो एलर्जेनिक सोप साबुन सोप और इस तरह की चीजें यूज करनी चाहिए, क्योंकि वो आगे चल के कुछ ऐसी मतलब केमिकल्स उस पे यूज किए होते हैं उसको स्मेल देने के लिए, वो आगे जाके आपकी स्किन को भी प्रॉब्लम काज कर सकते हैं। तो आजकल तो वैसे भी मतलब हर चीज जो है ना वो मतलब डिजीजेस ही काज कर रही है, तो हमें मतलब जो भी चीज यूज करनी है देखभाल के, तो एक्सरसाइज बहुत ज्यादा एक्सरसाइज जो करते हैं उनको भी एस्मा हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज अपने आप को ज्यादा एक्सर्ट नहीं करना चाहिए, अपने आप को ज्यादा थकाना नहीं चाहिए जो एक्सरसाइज करते हैं। फिर मतलब जो वर्क प्लेसेस है, सच मैंने पहले भी कहा कि जहाँ पे जो केमिकल इंडस्ट्री है, आटे की चक्की है, यो गैसेस और डस्ट वाले जो जिस एरिया में हम काम करते हैं, जैसे ऑयल रिफाइनरीज है, इस तरह की चीजों से मतलब काम करते हैं, तो फिर हमें पूरी प्रोटेक्शन के साथ काम करना चाहिए, अपने आप को प्रिवेंट करना चाहिए कि ये चीजें हो सकती हैं जो बाद में जाके हमारे लिए जानलेवा बन जाती हैं। तो जो पीपल जिनको मतलब अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है कि जो जिनको हो चुका है उनको अपने डॉक्टर के साथ मतलब अटैच रहना चाहिए, उनको अपने डॉक्टर के जो अंडर मतलब दे शुड स्टे अंडर द डॉक्टर ट्रीटमेंट एंड क्लोजली मॉनिटर देयर सिम्टम। एंड ये मैंने जैसे कहा कि ये क्योर नहीं हो सकता, लेकिन अपने जो साइन एंड सिम्टम है उसको आप मैनेज कर सकते हो। बहुत सारी वो आपको फिर मेडिसिन देते हैं, तो उससे आप इसको कर सकते हो। तो जब आप ये देखें कि आपको फ्रीक्वेंट कफ हो रही है या वीजिंग हो रही है, तो आपको फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसको डिले ना करें। जब आप इसको डिले करते जाएंगे, और फिर ये है कि भी जो मैंने पहले भी कहा कि हमारी मेडिकल इंटरवेंशन है वो हमारे एक्यूट सिम्टम्स को, तो जैसे सिस्टर नसरीन ने भी दुआ की कि सारी शफा खुदावंद की तरफ से आती है, तो हमारे एक्यूट सिम्टम्स को तो साइन एंड सिम्टम्स को मतलब मेडिकल जो है विजडम वो ट्रीट कर सकती है, लेकिन उसकी परमानेंट जो उसकी शफा है, परमानेंट उसका क्योर है, वो मतलब बहुत कम है। उसके लिए हमें फिर खुदावंद को पुकारना होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि भी एस्मा की ट्रीटमेंट यही है कि आपको वो मतलब इनहेलर देते हैं, सम स्टेरॉइड्स दे देते हैं जो कि स्वेलिंग को रिड्यूस करते हैं। स्टेरॉइड्स का मतलब काम भी यही होता है कि वो जो आपके अंदर स्वेलिंग है उसको फिर वो खत्म कर देते हैं, जो इन्फ्लेमेशन हुई होती है उसको खत्म कर देते हैं। और फिर तो फिर मतलब जो बलगम बहुत ज्यादा पैदा होती है उसके लिए वो आपको कफ सिरप देते हैं जो कि आपकी वो कफ को जो ड्राई कर देता है। फिर आपको एंटीबायोटिक्स भी देते हैं अगर आपको इन्फेक्शन है, जिससे इन्फेक्शन रिजॉल्व हो जाता है। तो इसी तरह यही है, और इसके फैक्टर यही है कि अगर आप इसको कंट्रोल ना करें तो इसकी बहुत ज्यादा जो लोग मतलब इसके और भी फैक्टर हैं कि बहुत ज्यादा लोग जो है ना वो ओवरवेट है, उनको भी होने के ये चांसेस हैं।
और तो और जब जैसे मैंने कहा है कि स्मोकिंग और सेकंड हैंड स्मोकिंग, सेकंड हैंड स्मोकिंग वही है कि जो बंदा स्मोक तो नहीं करता लेकिन उसके अराउंड रह रहा है जो आपके आपके घर में स्मोक कर रहा है, तो जो दूसरे बंदे जो स्मोक कर रहे हैं उस पर तो अफेक्ट नहीं हो रहा लेकिन जो सराउंडिंग बंदे रह रहे होते हैं उन पे अफेक्ट होता है, उसको सेकंड हैंड स्मोक एस्मा कहते हैं। कि जैसे आपके घर में कोई स्मोकिंग करता था, हुक्का पीता था, तो उस वक्त आपको तो मतलब उनको तो नहीं हुआ लेकिन आप उन लोगों के चुगिर्द रहते हो जो कि आपके घर में स्मोकिंग करते हैं, तो उसकी वजह से उस स्मेल की वजह स्मोक की वजह से आपको एस्मा होता है, उसको सेकंड हैंड स्मोक कहते हैं। फिर उसके बाद कॉम्प्लिकेशन तो यही है कि भी अगर इनको टाइमली मैनर पे इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये है कि भी ये बार बार फ्लेयर अप हो सकता है और इमरजेंसी काज हो सकती है, इससे मतलब आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है और फिर सीवियर एस्मा अटैक होने शुरू हो जाते हैं, और तो और फिर ये आपकी बीमारी जो होती है ना वो इतनी मतलब एंड स्टेज पे चली जाती है कि जहां से आपका ठीक होना बिल्कुल नामुमकिन होता है। अर्ली स्टेज पे ये कि आप इसको मतलब ये जो सारे इरिटेंट है एनवायरमेंट है उसको उसको आप उनको टच ना उनसे अपने आप को प्रिवेंट करें, उनको कोशिश करें कि वो मिनिमाइज हो ताकि आपको एस्मा फ्लेयर अप ना हो और एस्मा होने के चांसेस ना हो। तो इसकी प्रिवेंशन तो मैंने कहा है कि भी एस्मा जो मतलब फॉलो अप योर एस्मा प्लान एक्शन प्लान विच योर डॉक्टर एंड हेल्थ केयर टीम राइट डिटेल्स प्लान फॉर टेकिंग मेडिकेशन एंड मैनेजिंग एन एस्मा अटैक that then be sure to follow your plans. Okay, so if it is ongoing, like I said, it's ongoing conditions and you have to see your doctor regularly and have to stay under the doctor treatment and complete your treatment regimen. Because if you don't follow the doctor's given treatment regimen, it can be worsened. But the worst thing is the worst thing, you know, it is medically, I can say, you know, yes, you do these things. And being a servant of God, I can say, yeah, you should seek a medical interventions because it is a life-threatening. क्योंकि खुदावन ने उनको विजडम दी होती है और खुदावन की विजडम के बगैर वो काम नहीं कर सकते, तो उनको उनको भी फॉलो करना जरूरी है। और फिर जो मुकम्मल हीलिंग है वो ऊपर से आती है, तो खुदावन जो है ना इन चीजों से हमें निकालता है। मेरे पास एक गवाही है कि एक औरत है, अभी वो आजकल उसका नाम बिट्रीस है, शी इज अ सर्वेंट ऑफ गॉड, शी हैड अ ट्यूबरक्लोसिस एंड शी हैड वो अपनी टेस्टमनी देती है कि शी हैड एंड स्टेज ट्यूबरक्लोसिस और कहती थी कि उसके ब्लड आता था। तो वो जो अगर आप लोगों ने सुना हो मतलब हेलन कूमन को जो कि बहुत बड़ी खुदावन की सर्वेंट थी और उसको मतलब शफा बस उसके हाथों से शफा बहुत सारे लोगों को शफा मिली थी, वो कैथरीन कूमन उसका नाम है, कैथरीन कूमन। तो वो जो बेट्रीस है वो एस्मा की नहीं ट्यूबरक्लोसिस की पेशेंट थी, तो वो कैथोलिक थी, तो उसका हस्बैंड इस चीज पे बिलीव नहीं करता था। तो लेकिन किसी ने उसको कहा कि तू उसके पास जाएगी, कैथरीन कूमन के पास जाएगी, उसकी क्रूसेड जो उसकी हीलिंग मिनिस्ट्री में तू जाएगी तो तू हील हो जाएगी। तो वो कहती है कि मैं खड़ी थी ऐसे साइड पे, तो कहती है कि मैं जैसे खड़ी तो मतलब उस वक्त उसकी ब्रीदिंग इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन वो ईमान के साथ गई, तो उसको मतलब वो कहती है कि कैथरीन कूमन स्टेज पे खड़ी थी तो उसने मतलब ऐसे रूह कुदस के जरिए ही उसको पता चला। तो उसने कहा कि जिस किसी को भी इस वक्त बीमारी मतलब ये ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी से ता रही है, उसने अपनी गवाही दी कि वो मैं उसको मतलब बट कहती है कि जो कुछ मेरे पास है खुदावन ने मुझे दिया है मैं उसको देती हूँ। तो उसने उसको ऐसे ऐसे किया मतलब रूह कुदस को, तो वो जो ब्रिटिश थी वो कहती है कि मैं वहां से उड़ के तो टेबल के नीचे जा गिरी, इतनी वहां पे हीलिंग थी। तो कहती है कि उसके बाद जब जैसे ही मेरे होश आए मैं उठी तो मेरी सारी बीमारी चली गई और मुझे पता भी नहीं। लेकिन आज उसके बाद ये कि उसको उसने अनॉइंट किया तो वो आजकल मतलब बहुत ही अच्छी खुदावंद की खादमा है। तो अगर हो सके तो मैं आप लोगों को उसका भेजूंगी ताकि फिर आप लोग उसकी टेस्टमनी देख लें, क्योंकि कोई भी बीमारी जो है ना वो खुदावंद मतलब खुदावंद नहीं चाहता, खुदावंद जिंदगी देता है, वो ये नहीं चाहता कि हम बीमार हैं। तो ये है कि भी आप मेडिकल इंटरवेंशन भी सीख करें लेकिन सबसे ज्यादा है कि हमें खुदावंद पे भरोसा रखना चाहिए। और डर जो हमारे अंदर है वो हमें मारता है, डर ही जो है ना वो हमें
सिकनेस और बीमारियों को की तरफ लेकर जाता है। तो हमें किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए। जाहिर है ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, उसमें खौफ तो होगा, लेकिन एंग्जाइटी और फियर जो होता है ना, ये दोनों चीजें बंदे को ले जाती हैं। और यीशु मसीह इन सारी चीजों से हमें आजादी देता है, क्योंकि उसने हमारी एंग्जाइटी को, हमारी फियर को कम करने के लिए उसने अपने आप को दिया। उसने मतलब हमें अपने आप को इसलिए दिया कि हम जिंदगी पाए, कसरत से पाए। कसरत की जिंदगी में ये सारी चीजें, हमें दुख और तकलीफ में जमीन पे रहना है तो दुख और तकलीफ, बीमारियां तो हमें आनी है, लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे पास वो चीज है, वो ताकत है और वो हस्ती है जो कि हमें हर उस बीमारी से नजात दे सकती है और हमें हिकमत दे सकती है कि हम उस बीमारी को किस तरह मैनेज कर सकते हैं और किस तरह हम मतलब उसे मतलब रह सकते हैं। जब हम अपने आप को उसकी उसके खून में, अपने आप को उसकी डिवाइन प्रोटेक्शन में लेकर आते हैं, तो वो हमें हर बीमारी से नजात देता है और देने की कुदरत रखता है। जैसे कि जरमाया कहता है कि खुदावन कहता है कि तू मुझे बुला। जरमाया 33:3 में वो कहता है, He called to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. अब खुदावन जरमाया नबी के वसीले से खुदावन कह रहा है कि call to me, खुदावन कह रहा है कि टेलीफोन डॉक्टर को करने की बजाय पहले, सबसे पहले मुझे फोन लगाओ, फिर मैं ऊपर से सुनूंगा और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन कितनी ग्रेट चीजें तुम्हारी हीलिंग के लिए मैंने रखी हैं जो तुम्हें अब तुमने अभी तक सर्च भी नहीं की। Unsearchable things that you do not know. कहते कि मैं ऊपर से तुम्हें जवाब दूंगा और मैं तुम्हें बताऊंगा कि there are so many unsearchable things you have not known yet that I will tell you. खुदावन कहते कि जब तुम मुझसे सीख करोगे, मुझे बुलाओगे, तो मैं जरूर डेफिनेटली मैं फोन पिक करूंगा और मैं तुम्हें आंसर करूंगा और मैं तुम्हें वो चीजें बताऊंगा, वो तुम्हें वो हिकमत दूंगा। और तो और मेरे साथ ऐसा होता है कि कभी कभी मैं दुआ करती हूँ सुपर नेचुरल हीलिंग की, लेकिन ये कि कभी कभी खुदावन जो है ना वो हिकमत देता है और खुदावन कहता है कि तू ये कर तो ठीक हो जाएगी। तो फिर ये कि खुदावन हमें हिकमत भी देता है और खुदावन वो चीजें है ना वो हम पे वो अनकवर करता है जो हमारी हीलिंग के लिए होती हैं, फिर वो खुदावंद में बताता है। तो वो कहता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने अभी तक तुम्हारे सामने अनकवर नहीं की, लेकिन मैं उस वक्त ही अनकवर करूंगा जब तुम मुझे बुलाओगे और फिर मैं जवाब दूंगा। क्योंकि उसका काम है कि हमें मतलब उसने हमें बनाया, उसने हमें जिंदगी दी है, उसने अपनी पाक मर्जी से हमें जमीन पर रखा है और उसको पता है कि जमीन पर रहकर हमें दुख तकलीफ बीमारियां झेलनी है। तो इसलिए वो कहता है कि हम उसी को सीख करें, उसी की तरफ हाथ लगाए, उसी की तरफ हाथ उठाए। और तो और ये कि उसको भी बुलाओ और फिर आप अपनी मेडिकल इंटरवेंशन भी करो, ठीक है, उनको भी फॉलो करो, लेकिन उन पे ज्यादा फॉलो करने की बजाय आप खुदावंत पे ज्यादा भरोसा रखें, खुदावंत पे हम ज्यादा भरोसा रखें। क्योंकि ठीक है, जो दुख तकलीफ बीमारी हमने सहनी है वो सहनी ही सहनी है, लेकिन ये है कि हमारी मुकम्मल हीलिंग उसी से आ सकती है और कहीं से नहीं आ सकती। तो फिर जैसे कि खुदावंत एक्ट्स में कहता है कि वो कहता है कि रसूलों के अमाल और उसके 17:25 है, उसमें ये कहता है कि एंड ही इज नॉट सर्व्ड बाय ह्यूमन हैंड्स एज ही नीडेड एनीथिंग, रादर ही हिमसेल्फ गिव्स एवरीवन लाइफ एंड ब्रेथ एंड एवरीथिंग एल्स। तो वो मतलब लूक ने लिखा है, तो लूक कह रहा है कि मतलब कि वो कह रहा है कि वो ऐसा खुदावंद नहीं है जिसको इंसान के हाथों की जरूरत है, वो ऐसा खुदावंद है कि जिस मतलब जिस जिसको इंसान के हाथों इंसान को उसकी जरूरत है, ना कि उसको इंसान की जरूरत है। क्योंकि वो तो हीलिंग का शफा का मंबा है, वो तो हीलिंग का मंबा है, तो उसको हमारी क्या जरूरत हो सकती है, क्योंकि उसने ही तो हमें मतलब जिंदगी दी है और हमारे सीने में जो सांस है उसी की दी हुई है। तो हमें उसी पे मतलब उसी पे भरोसा रखना चाहिए और उसी से ही सीख करनी चाहिए। वी डू नॉट पे अटेंशन टू आवर एनवायरनमेंट और थिंग वी डू वी हु गिव्स लाइफ एंड ब्रेथ लाइफ इन आवर लंग्स वांट्स अस टू लिव एंड लिव अ हेल्थी लाइफ मेक अ फोन कॉल। सो दैट इज व्हाई आई सेड यू नो He desire a life to us. He desire abundant life to us. He desire, because he's a life giver. He's not a death giver.
why on the earth he will come and die for us, you know, to give us abundant life, to give us a sickness-free life, to give us a healing, to give us everything. आज अगर हम बीमार होते हैं या दुख तकलीफ बीमारी में जाते हैं, ठीक है, आती हैं, अनॉर्मसली बीमारियां हम पे हमला कर देती हैं, हम जाने बगैर ही जैसे करती हैं, लेकिन ये कि हमें उसके साथ डेली कनेक्शन में रहना चाहिए, हमें अपनी अपना जो पर्सनल रिलेशन है यीशु मसीह के साथ उसी तरह रखना चाहिए, क्योंकि उसी के नाम के वसीला से और उसी से ही सब कुछ मिलता है, किसी और के जरिए से हमें शफा नहीं मिलती। ठीक है, शफा मिल जाती है, कुछ और भी ऐसे मतलब रिलीजन है उनको शफा, लेकिन मुकम्मल शफा जो है ना वो हमारा जिंदा खुदा यीशु मसीह ही देता है। तो इसीलिए आज मैं उन सारे बहन भाइयों को कहूंगी कि जो इस बीमारी का शिकार है, जो इस बीमारी में मुबतला है, और तो और मतलब अपने आप को प्रिवेंट करें और खुदावंद से हिकमत मांगे और खुदावंद को ही कॉल करें, क्योंकि वो हमारे हर कॉल को आंसर करता है और वो हमें वो चीजें बताता है। और अगर वो हमें मेडिकली तरीके से ठीक करना चाहता है तो फिर वो हमें डॉक्टर भी मुहैया करता है, फिर वो अपने जो फरिश्ते हैं, जैसे कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि देखो कि जो आसमानी नौकर है खुदावंद के, खुदावंद ने अपने आसमानी नौकर हमारी हिफाजत के लिए रखे हुए हैं। मैं फरिश्तों को उसके हेवनली नौकर कहती हूँ, क्योंकि हमें हमारे लिए रखे हुए, उसने किसी और के लिए नहीं रखे हुए, हम सब के लिए रखे हैं, क्योंकि और उसने हमारी जानों के लिए फिदिया दिया है, उसने हमारी जानों के लिए रैंसम पे किया है, उसने हमारी जान के लिए हमारी ही जान की उसके फिक्र रहती है, हमारी ही जान की वो हिफाजत करता है, इसीलिए तो उसके फरिश्ते हर जगह जगह पे हमारे लिए खड़े होते हैं। उसने कहा है कि मेरा फरिश्ता तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम उसकी सुनना, जो वो कहेगा उसकी सुनना, और अगर तुम उसको नहीं सुनोगे, सीधे रास्ते पे नहीं चलोगे, तो तुम खुद मरोगे। तो डेथ जो है हम अपने आप पे खुद लेकर आते हैं, बाय नॉट नोइंग गॉड, बाय नॉट गोइंग टू गॉड, बाय नॉट आस्किंग हिम, बाय नॉट सीकिंग हिम। तो आज आइए हम सब अपने फैसला करें कि हमें हर चीज के लिए, और जैसे भी हम एक दूसरे बहन भाई है खुदावन की जो टेस्टमन है, हमें अपने बहन भाइयों की मतलब को, हमें अपने आप को सबको एक दूसरे के लिए बरकत का बायस बनना चाहिए, एक दूसरे को स्पिरिचुअली उठाना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, जिस तरह के खुदावन चाहता है एज ए गुड समैरिटन। तो खुदावन आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। जी आमीन। खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो इस सारे कलाम के लिए, इन सारी बातों के लिए, सारी हिकमत के लिए, क्योंकि वही हिकमत का मनबा है, वही हिकमत देता है हमें। और हमें अपने अपने बदनों की हिफाजत करनी चाहिए। बेशक ये सारी चीजें जो हैं, ये हमारे लिए जो हैं वो बीमारियों का काज बनती हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारा हमारा लाइफ स्टाइल जो हम अपनाते हैं, हमें उसको चेंज करने की जरूरत है। जैसे हमने पहले बात की थी एक दफा अपने प्रोग्राम में कि हमें नेचर की तरफ वापस जाना चाहिए, हमें नेचुरल चीजें यूज करनी चाहिए खाने पीने में, अपने हर तरह से, तो ताकि हम इन तमाम बीमारियों से हम महफूज रह सकें। तो मैं आखिर में सिस्टर मारिया से कहूंगी कि वो शुक्रगुजारी की दुआ करें, फिर उसके बाद हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आसमानी बाप, यीशु नासरी के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू जिंदा, तू पाक है खुदावन, तू कुदूस है, तेरी मानित कोई नहीं खुदावन, तू हमारा शाफी है और तू खुदावन हमारे साथ है। तेरे बेटे यीशु मसीह के लहू बहाने के वसीले से हमने शिफा पाई है खुदावन, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं हम सारी बातों के लिए। आज के टॉपिक के लिए खुदावन तेरा शुक्र, तूने अपनी बेटी को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया है फसल बख्श के, इसी तरह खुदावन तेरी खिदमत करती रहे और बहुत सी जिंदगियों को बचाने का वसीला बन सके, मेडिकली तौर पर उनको खुदावन सही तौर पर गाइड कर सके, जितने भी लोगों से इनका वास्ता पड़ता है, जितने भी लोगों से मिलते हैं खुदावन इनका ट्रीटमेंट करते हैं, तो अपनी बेटी को कसरत से इस्तेमाल कर खुदावन अपने जलाल के लिए, ताकि तेरी बेटी इसी तरह खुदावन लोगों के लिए बरकत का वसीला बनती रहे, खुदावन को बरकत बख्श दे। और सारी टीम के लिए भी हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, इस ग्रुप के लिए, पार्टिसिपेंट्स के लिए, होली सिटी मिनिस्ट्री के लिए भी हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु के नाम में, तेरा हाथ बढ़े इसी तरह खुदावन, होली सिटी मिनिस्ट्री तेरी खिदमत करती रहे और खुदावन
तेरे कलाम को दुनिया के कोनों कोनों तक लेके चला जाए खुदावन। तो अपना हाथ बढ़ा, तेरी बरकत यीशु के नाम में नासिल हो खुदावन। और आज के सारे दिन के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, इस टाइम के लिए जो तूने बख्श दिया ताकि हम तेरी हम्द कर सके, तेरे कलाम को सुन सके और खुदावन बीमारियों के बारे में सीख सके और उन पर किस तरह गालिब आना है, अपने लाइफस्टाइल से, अपने रूहानी जिंदगी से किस तरह गालिब आना है खुदावन। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू और ज्यादा अकल फहम से मामूर करो। जितने भी लोग इस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं वो खुदावन उस पर अमल कर सकें और जान सकें, क्योंकि तू हमारा शाफी है और भरोसा अपना तुझ पर कायम करने वाले बने खुदावन। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम सारी बातों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। एक बार फिर से पार्टिसिपेंट्स के लिए हम तेरी बरकत को चाहते हैं खुदावन, बरकत बख्श दे ताकि इसी तरह तेरे लोग तुझ में भरते जाएं, तेरे कलाम को फैलाते जाएं खुदावन, और खुदावन हमेशा हर एक की जिंदगी से तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। अब हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि हमें भलाई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शकत हम सबके साथ, हमारे घरानों के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदा आप सबको बरकत बख्शे, आमीन।